देखो आज तुम लोग को पढ़ाएंगे कि स्टार्टर कल्चर में बैक्टीरियोफेज का क्या रोल है। बहुत बुरा रोल है, जहां भी ये वायरस जाता है ना बुरा ही करता है। ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई एक केस नहीं है जहाँ की वायरस जो है वो अच्छा काम करता हो। यहाँ भी बुरा ही काम करेगा, देखने में छोटा लगता है, इनविजिबल है, कुछ नजर नहीं आता, लेकिन भयंकर भयंकर काम कर जाता है। एक जो नॉर्मल बैक्टीरियोफाज है ना, उसका जो तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा जानने वाला नहीं, कि एक जो नॉर्मल जो वायरस है वो तुम्हारा हेड का बना होता है एंड टेल का बना होता है। इसी हेड के अंदर जो है उसका मेन कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड भरा हुआ रहता है, ऊपर जो होता है वो तुम्हारा प्रोटीन का लेयर होता है। सेम है जो नॉर्मल मोटा मोटी हर वायरस का ऐसा ही एक कैरेक्टर होता है, लेकिन कुछ वायरस में खासकर जो एनिमल वायरस और जो ह्यूमन वायरस होता है उसके ऊपर एक तुम्हारा लेयर चढ़ जाता है लिपिड का, जो कि वो एनिमल और ह्यूमन से ही वो मतलब डिराइव करता है, वो उसका प्रोटेक्शन लेयर बन जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्टार्टर कल्चर की। स्टार्टर कल्चर में जो फेलियर है उसका मेन कॉज है कि बैक्टीरियोफाज, मतलब पूरा का पूरा अच्छे से अच्छा तुम चाहे जितना भी मेंटेन करो, उसको कितने बढ़िया से बनाओ, ये प्योरिटी वो प्योरिटी, लेकिन अगर एक वायरस आ जाता है तो पूरा का पूरा तुम्हारा कल्चर जो है वो खराब हो जाता है। और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है ना, मतलब कि उसको क्या बोलोगे, ये मतलब कि टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर है कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड इसमें डीएनए होता है, और ये तुम्हारा सिथ है, ये रॉड है, तुम्हारा टेल टेल फाइबर्स है ना, और ये पिन है जिसके थ्रू ये बैक्टीरिया के ऊपर अपने आप को स्टैब्लिश करता है एंड फिर जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर इंजेक्ट करता है। सो बैक्टीरियोफाज के बारे में जान लो कि बैक्टीरियोफाज जो है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इसलिए क्योंकि ये आउटसाइड द सरफेस नहीं रह सकता, मतलब कि ये जब जाएगा तुम्हारा सेल के अंदर तभी ये अफेक्ट करेगा। तो अगर ये बाहर है और इसका अपना कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं होता, इसका अपना कोई लाइफ नहीं होता, ये हमारे ही सेल के अंदर जाके और हमारे ही न्यूक्लिक एसिड को यूज करता है, हमारे ही मशीनरी को यूज करता है और फिर अपना नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करता है। अब कह रहे हैं फाज का मतलब सभी को पता है कि फाज मतलब क्या होता है, फाज मतलब होता है खाना, तो ईट। तो जो फाज बैक्टीरिया को खाए, जो फाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज। फाज मीन्स हो गया वायरस है ना, बैक्टीरियो करेगा। और इसको सबसे पहले टॉट ने 1950 में इसको डिस्कवर किया था। अब वायरस देखो कितना मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कितना ये है कि उसमें आज तक किसी का भी जेनेटिक मटेरियल, चाहे तुम ह्यूमन देख लो, प्लांट देख लो या बैक्टीरिया देख लो, किसी में न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो आरएनए में होता है। लेकिन कुछ वायरस है, वायरस ही ऐसा एंटिटी है जिसमें न्यूक्लिक एसिड इधर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है, बट दोनों नहीं होगा, इधर दोनों में से कोई एक होगा। और एक प्रोटीन कोट होता है जिसको कि तुम लोग कैप्सिड कहते हो, और प्रोटीन कोट जैसे मैंने तुम्हें बताया कि कुछ वायरस जो होते हैं उसमें फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का भी लेयर होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा कोरोना के ऊपर जो लिपिड का जो लेयर होता है वो उसका एक एडिशनल फीचर है, और इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग बार बार हाथ धोए या स्प्रे मारे या जो भी अल्कोहलिक सैनिटाइजर का यूज करें, ताकि क्योंकि वो जो लिपिड लेयर है वो उसका डिजोल्व हो जाएगा तो फिर वायरस होगा वो इनएक्टिव होगा। ये सारी बातें तुम लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि वायरस का अपना कोई भी फंक्शन नहीं होता, वो अपना रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपना प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज कर सकता, और ना ही वो मतलब कि वो बिल्कुल आउटसाइड द सेल बिल्कुल ही इनएक्टिव होता है, और किसी तरह का कोई मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं हो सकता अंटिल एंड अनलेस दैट वायरस गेट इनसाइड द होस्ट सेल। और होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद उसी का मशीनरी यूज करके अपने लायक वो प्रोटीन बनाता है, अपने लायक वो डीएनए का या आरएनए का सिंथेसिस करता है और अपना ही वो मॉलिक्यूल बनाता है। सब हो चुका है, लेकिन तुम लोग को इसमें भी पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और उसमें लगता है कि नया चीज इसमें कुछ चैनल है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहला तुम्हारा सेमेस्टर था उसमें वायरस के बारे में बहुत डिस्कशन हो चुका है।
स्ट्रक्चर भी जान लो कि जो वायरस है उसमें दो स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और हमारा जैसे सेप्टिक मटेरियल है और ये हमारा प्रोटीन होता है, और जो कंप्लीट वायरस होता है, जो इन्फेक्शियस वायरस होता है, उसको हम लोग विरियोन बोलते हैं। और कंप्लीट वायरस यानी विरियोन जो होगा उसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों होगा। अगर तुम या तो आरएनए निकाल दो, डीएनए निकाल दो, या उसका प्रोटीन कोड अगर डिस्ट्रॉय कर देते हो तो वो वायरस जो होगा वो इनएक्टिव होगा। और ये प्रिंसिपल भी यूज होता है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्या करता है, हम लोगों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसका मेन पर्पज यही है कि जो हमारे अंदर जो वायरस का एक्चुअली जो कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन जो तुम लगा रहे हो उसमें आरएनए वायरस का जो आरएनए है ना उसको इंजेक्ट किया जाता है, और वो भी थोड़ा सा इनएक्टिवेट करके कि जाते ही वो हमें नुकसान नहीं करे। तो इसी आरएनए के अगेंस्ट में हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनता है, और वो एंटीबॉडीज होता है जो भी वायरस पार्टिकल जो कि इनकमिंग जो भी वायरस पार्टिकल होगा उसके प्रोटीन प्रोटीन जो होता है एंटीजन की ट्रैक करता है, और उस एंटीजन से हमारा एंटीबॉडीज जो है वो चिपक के उसको इनएक्टिवेट कर देता है। तो इस तरह से एंटीबॉडीज जो है वो हमारा प्रोटेक्शन करता है। वायरस का जो क्लासिफिकेशन है ये मतलब वो अच्छे तो पता है कि डीएनए और आरएनए के आधार पे किया जाता है। कुछ जो वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, कुछ जो वायरस होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। इसी तरह कुछ वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, कुछ वायरस होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, और इनको मतलब कि इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस इस तरह से उनको मतलब डिवाइड की थी, और इसके अकॉर्डिंग इस तरह का वायरस, इसमें कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि कई बार इस कोर्स में भी वायरस के बारे में थोड़ा बहुत आ जाता है लिखने के लिए। और सो डबल स्टैंडर्ड वायरस, एडेनो वायरस, सर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस, ये सारे जो है डबल स्टैंडर्ड वायरस है। इसी तरह तुम्हारा कुछ जो वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस भी होते हैं, जैसे पार्वो वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी होते हैं जैसे रियो वायरस, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी होता है जैसे कि तुम्हारा कोरोना वायरस। सो इस तरह का वायरस का ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। इसमें तुम रट जाना, हो सकता है कि क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार मोटा मोटी तुम लोग उसको देखेंगे सारा उसके अकॉर्डिंग जो है वो वायरस को क्लासिफाई किया गया आईसीटीवी के अनुसार, डिफरेंट फैमिली में दिया गया जैसे कि मायोविरिडी है ना, सिफोविरिडी, प्रोटोविरिडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका जो लाइफ साइकिल है, अगेन लाइफ साइकिल तुम लोग अच्छी तरह से याद होगा, तुम लोगों को रट्टा हो गया होगा, फिर भी देख लो क्योंकि चैप्टर है तो कराना ही है। इसमें तुम्हारा दो साइकिल होता है, और एक लिटिक साइकिल होता है और एक लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ाई हो चुका है तो बताओ तो लिटिक साइकिल को, एनीबॉडी कुछ बताओ तो क्या होता है लिटिक साइकिल? मैम लिटिक साइकिल में जो है ना होस्ट को मार देता है बैक्टीरियोफेज। लाइसोजेनिक में लिटिक साइकिल में होस्ट को मार देता है। उसी के साथ वो अपना मल्टीप्लाई करता है। तो बस ये जो तुम्हारा स्टेप अच्छी तरह से जानते हो कि जो फेज है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने आप को स्टैब्लिश करता है बैक्टीरिया के सरफेस पे, अपने आप को अटैच करता है, अटैच करने के बाद पिन फायर जो पिन उसका होता है जो अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर में पहले दिखाया गया, उस पिन के थ्रू कोर बनाता है, और उस कोर से आरएनए जो है वो उसको इंजेक्ट करता है। ये प्रोटीन कोर जो है वो बाहर ही रह जाता है। अब ये आरएनए जो होता है वो जाके जो भी तुम्हारा होस्ट सेल रहेगा, या तो ह्यूमन रहे या तो बैक्टीरिया रहे, मशीनरी उसका सेम ही रहेगा कि होस्ट सेल के डीएनए पे जाके वो उसको कंट्रोल कर लेता है। और कंट्रोल करने के बाद वो क्या करता है, जो डीएनए तुम्हारे लिए प्रोटीन बनाती है, जो डीएनए तुम्हारे बॉडी की रक्षा करती है, उसकी बजाय वो जो डीएनए है वो क्या करता है कि वायरस का डायरेक्शन सुनता है, और ये डीएनए जो है वो वायरस का प्रोटीन बनाता है। और इस तरह से मतलब कि लास्ट में क्या करता है कि ये जो 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 भी वायरस का अपना जो जेनेटिक ये है वो इसको पूरी तरह से डिग्रेड कर देता है, और ये डिग्रेडेड जो डीएनए है वो वायरस के प्रोटीन कैप्सिड में अपने आप को इंक्लोज करके होस्ट सेल को ब्रेक करके ये बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से तुम देख रहे हो कि एक वायरस इंटर करा और मतलब कि लगभग क्या बोलते हैं कि आधे घंटे और एक घंटे के अंदर इतने सारे वायरस जो होते हैं वायरस पार्टिकल जो है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ये जो मैकेनिज्म है इसको अच्छी तरह से तुम समझ सकते हो कि कोरोना वायरस क्यों इतना फास्ट है ना,
2 से 3 दिन के अंदर अगर वो लंग में जाके पूरी तरह से अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है तो उसका वजह यही है कि वो इमीडिएटली पहले डीएनए हमारे जो सेल के जो डीएनए है उसको कंट्रोल करके और इतना ज्यादा वायरस पार्टिकल बनाता है कि पूरे लंग में, मतलब कहता है 2 से 3 दिन के अंदर पूरा लंग को वो डैमेज कर देता है। लेकिन जो दूसरा है लाइसोजेनिक फैज, इसमें क्या होता है कि अगेन उसका एस्टेब्लिशमेंट का वही मैकेनिज्म है, आरएनए को इंजेक्ट करता है, लेकिन वो क्या करता है कि अपना जीनोम जो है वो जाके डीएनए में उसको इंजेक्ट कर जाता है और होस्ट के साथ ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जैसे जैसे होस्ट मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे वायरस का जो पार्टिकल है वो भी मल्टीप्लाई करता है। बट ये जो फेज होता है ये बहुत टेम्पोरी होता है। अगर किसी भी तरह का कोई इंडक्शन आए, इंडक्शन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कि इस सेल को तुम यूवी रे से ट्रीट कर दो या कोई ऐसा इंड्यूसिंग मटेरियल से ट्रीट कर दो, तो ये जो लाइसोजेनिक फेज है वो लाइसोजेनिक फेज हटके लिटिक साइकिल में आ जाता है, लिटिक फेज में आ जाता है और इस तरह से अगेन वो उस सेल को वो ट्रीट कर देता है। दिस इज द लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अब देखो जो फाज का अटैक है वो तो जान रहे हो कि जो स्टार्टअप कल्चर है उसका पूरा का पूरा लॉट बर्बाद कर देता है। तो पहले भी ये डिस्कशन हो चुका है कि अगर हम लोग सिंगल कल्चर लेते हैं तो सिंगल कल्चर में हम लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल पर्पज में हम लोग जाते हैं तो भी इंडस्ट्रियल हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उस टाइम अगर हम लोग सिंगल कल्चर यूज करते हैं तो फाज का अटैक बिल्कुल ही नॉर्मल है और पूरा का पूरा तुम्हारा लॉट बर्बाद हो सकता है। तो इसके लिए कुछ मेजर्स हैं जिसको कि तुम अगर करो तो कुछ हद तक हम लोग, जैसे अभी भी हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ही ले रहे हैं, है ना, क्योंकि फाज के अगेंस्ट किसी तरह का कोई दवा अभी तैयार नहीं हो सकता। और क्यों नहीं दवा तैयार हो सकता, इसका मेन रीजन भी तुम लोग जानते हो, क्योंकि फाज का अपना कोई मशीनरी है ही नहीं, उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं, तो तुम अटैक किस पे करोगे, है ना। जैसे मान ले जाए कि हवा में ही कहा जा रहा है कि जैसे वायरस है और अगर हम लोग हवा को ट्रीट करते हैं तो सिंपली क्या होता है, उसका जो तुम डिसॉल्व करते हो, उसका जो तुम आउटर सेल है उसको डिसॉल्व करके आरएनए को फ्री कर देते हो, आरएनए उसका बिना कंप्लीट इसके वो इनएक्टिव हो जाता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो खत्म नहीं होता है। इसी तरह कोई भी एंटीबायोटिक जो है वो वायरस पे एक्ट नहीं करती, एंटीबायोटिक तुम्हारे अपने सेल को एक्ट करती है, अपने सेल पे एक्ट करती है और जो अंदर तुम्हारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उस पे वो हार्म करती है। लेकिन एंटीबायोटिक को इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी हमारा अफेक्टेड सेल है ना, और या जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह है जो कि वायरस के अटैक के कारण हमारा शरीर क्योंकि कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होने के कारण कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। और ये एंटीबायोटिक जो है वो डिफेक्टिव सेल को भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है, जिसके कारण कि फाज का जो नंबर है वो एक थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। अदरवाइज जो ये 14 दिन का जो टाइम कहता है कि कोरोना वायरस में है, और चाहे जो भी वायरस है उसका अपना एक इंक्यूबेशन टाइम होता है और उसका अपना एक पूरा टाइम होता है कि इतने टाइम तक वो रहेगा ही रहेगा। नॉर्मल जो भी तुम वायरल फ्लू वगैरह देखते हो उसमें तुम देखोगे कि 3 से 4 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक जाता है ना, 3 से 4 दिन के अंदर वो अपने आप चला जाएगा। उस बीच में अगर हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो फीवर बढ़ता है तो लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं या कुछ एंटीबायोटिक खाते हैं, ये सारा जो ट्रीटमेंट है हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं और जो हमारा अपना सेल है उसको हम लोग बचाने के लिए करते हैं। अदरवाइज हमारा वायरस पे किसी तरह का कोई दवाई जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है और कोई दवा उस पर एक्ट नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मेन चीज यही कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना हम लोग प्रिवेंशन ही लें, जैसे अभी हम लोग प्रिवेंशन ले रहे हैं कि हर चीज हम लोग धो के और उसको कर रहे हैं, सब्जियों को अच्छी तरह से धो रहे हैं, फ्रूट्स को अच्छी तरह से धो रहे हैं, दरवाजा पूछते हैं, ये पूछते हैं, तो मेन थिंग इज दैट कि वी आर फॉलोइंग द एसेप्टिक ट्रीटमेंट। तो तुम्हारा जो स्टार्टर कल्चर का जो है उसमें भी तुम एसेप्टिक टेक्निक का ही यूज करोगे, है ना। इसी तरह जो भी तुम्हारे लैब में इक्विपमेंट स्टेंसिल्स हैं उसको तुम्हें अच्छी तरह से स्टरलाइज करना होगा, मिल्क को प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट देना होगा, हीट से जनरली जो वायरस है वो मतलब कि इनफेक्टिव। इसीलिए हमारा ये प्रिज्यूम किया गया था कि अगर हाई टेम्परेचर हो तो वायरस जो होगा वो कम हो जाएगा, बेसिकली थोड़ा कम होता भी है और उसका स्प्रेडिबिलिटी जो है वो कम कर देता है, क्योंकि जो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर हीट बढ़ जाए, एयर का एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, मॉइस्चर कम हो जाता है और उस मॉइस्चर में वायरस के सस्पेंड होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी स्प्रेडिबिलिटी भी कम हो जाती है।
इसी तरह भाई प्लांट वगैरह में ऐसा नहीं कि सबको घुसा दो, तुम लोग जो स्टार्टर लर्निंग रूम है उसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहना अपना पड़ेगा। तुम लोग तो प्लांट में जाओगे तो उस टाइम देखोगे कि कितना मतलब कि प्रिकॉशंस लिया जाता है। जो भी तुम्हारा जो रूम है वो बिल्कुल प्योरली तुम्हारा एक वेंटिलेटेड होना चाहिए और उसमें अच्छी तरह से एयर फिल्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। जो भी तुम्हारा रूम है उसको सैनिटाइज करना चाहिए, उसमें हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो है वो इफेक्टिव है। और कह रहा है ग्रो स्टार्टर कल्चर इन फाज इनहिबिटरी रेजिस्टेंट मीडियम, ये जो रेजिस्टेंट फाज रेजिस्टेंट मीडियम है या फाज इनहिबिटरी मीडियम है उसका कुछ अपना एक प्रॉपर कंपोजिशन होता होगा जो कि तुम्हारा फाज को रेस्ट्रिक्ट करता है। और कह रहा है कि डेली रोटेशन ऑफ फाज अनरिलेटेड रेजिस्टेंट और फाज रेजिस्टेंट, मतलब कि हम लोग डेली रोटेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आज ये कल्चर हम डाल दिए जो कि फाज का रेजिस्टेंट है ना, हो सकता है कि वो फाज सेंसिटिव हो जाए क्योंकि फाज में म्यूटेशन के काफी चांसेस होते हैं, वो इमीडिएट म्यूटेशन करता है। तो हम अगर डेली रोटेशन करें, आज हम लोग ये स्ट्रेन लगाए कल हम लोग दूसरा स्ट्रेन चेंज कर दें, तो ये प्रोसेस भी हमारे फाज के अटैक से बचा सकता है। या बल्क स्टार्टर कल्चर और या तो डायरेक्ट टू फैट सिस्टम, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट टू फैट सिस्टम क्या है। डायरेक्ट टू फैट सिस्टम यही है कि जिसमें जो तुम मतलब कि जो जो स्लांट लाते हो, स्लांट से फिर मदर कल्चर बनाते हो, मदर कल्चर से फिर बल्क कल्चर बनाते हो। इस प्रोसेस को हम लोग मिनिमाइज करें, जितना ज़्यादा स्टेप तुम बढ़ाओगे किसी प्रोसेस में उतना ज़्यादा कॉन्टामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो अगर स्टेप यानी कि डायरेक्ट टू वैट में तुमने देखा होगा कि अगर हम लाइफलाइज कल्चर यूज करते हैं या फ्रिज डाइट कल्चर यूज करते हैं तो वो उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग सिस्टम में डाल सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्शन कल्चर में डाल सकते हैं और ये जो बीच वाला जो स्टेप है उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से फाज के अटैक से हम लोग बच सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल फाज अटैक इन डेयरी इंडस्ट्री। तो ये सब प्रोसेस को अच्छे से, ये पॉइंट तुम्हारा 9-10 पॉइंट इनफ है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लोगे तो तुम्हारा 5 मार्क्स आराम से आ जाएगा। चलो छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू मैम। बताओ इसमें कुछ है कुछ पूछने लायक? ये तो हमको लगता है कि ये जो तुम्हारा सिलेबस ही है वो इतना सिंपल है, इतना मजेदार है कि अगर कुछ नहीं नहीं पढ़ो ये तो नहीं बोलेंगे, पढ़ो लेकिन इसमें हमको नहीं लगता ऐसा बहुत ज्यादा टेक्निकल कुछ शब्द है जिसको कि समझने में तुम लोगों को दिक्कत आ रही है। ये सब तुम आराम से इसको कर लोगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम तुम लोग को आज किसी टाइम गूगल पे बना के देते हैं, ठीक है? गूगल फॉर्म पे मजा आता है कि नहीं तुम लोग को बनाने में? हाँ मैम, 2-3 बार बनाते हैं। अच्छा, तो 3 बार बनाते हो, एक बार मार्क्स कम आता है तो दूसरे बार बनाते हो, फिर तीसरे बार ऐसे? तो आप क्योंकि जनरल प्रैक्टिस करा रहे हैं तो 2-3 बार चांस दे रहे हैं, जब एग्जाम लेंगे तो बस एक चांस। हाँ जानते हैं मैम। और क्या कहते हैं, तुम लोग को मार्क्स तो मिल ही जाता होगा इमीडिएटली? हाँ मैम। तो जब मार्क्स मिल जाता है और तुम लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो तो पेज तो पलटते नहीं होगे, मतलब उस टाइम अपना अच्छे से पहले ही पढ़ लो, पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन करोगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, कितना हमको याद है ना? तो कोशिश किया करो कि बिना देखे उसको बनाओ। मैम 2-3 बार बनाते हैं ना तो याद रह जाता है, उसमें आंसर जो दिख जाता है ना तो याद हो जाता है।